गुड मॉर्निंग एवरी वन इन टू क्लास वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एन आई ई ओ के बारे में हम लोग जानेंगे एन आई ई ओ का जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस कर लिया था हम जब सवारी डिस्कस कर रहे थे तब तो देखो क्या है द नॉन लैंड स्टेट्स नॉट ओनली वर्क फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन कॉपरेशन एंड कोल्ड वॉर टेंशन बट ऑल्सो फॉर ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो नॉन एलाइन स्टेट्स है मतलब जिन स्टेट्स ने नाम को सपोर्ट किया है उन स्टेट्स ने सिर्फ एक नया वर्ल्ड सिस्टम बनाने की ट्राई नहीं किया है कि जहाँ पे सिर्फ कॉपरेशन रहेगा या फिर कोल्ड वार टेंशन से सभी कंट्रीज जो है वो फ्री रहेगा ऐसा वर्ल्ड बनाने की ट्राई सिर्फ नहीं किया है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी बनाने की ट्राई किया है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या करता है दूसरे देशों के साथ नाम के जो कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ का रिलेशन जो है वो अच्छा करता है नाम दूसरे कंट्रीज़ के साथ नाम के जितने भी कंट्रीज है वो दूसरे देशों के साथ व्यापार जो है बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से कर पाए ताकि नाम के प्रोडक्ट्स बाहर के देशों में भी सेल हो और नाम को क्या हो बेनिफिट हो इकोनॉमिक बेनिफिट हो इसी वजह से एन को फॉर्म किया गया था सिंस दे ऑयर द लीस्ट डेवलप कंट्रीज एल टी सीज दे अटेप्टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली नाम के जितने भी कंट्रीज़ है इन सभी कंट्रीज़ को बोला जाता था लीस्ट डेवलप कंट्रीज लीस्ट मतलब एकदम कम डेवलप्ड कंट्रीज़ ये ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं थे इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे दे टू बी मोर डेवलप्ड उन लोगों ने उन कंट्रीज ने ट्राई किया है कि हमें इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना है ताकि टू लिफ्ट देअर पीपल आउट ऑफ पवर्टी ताकि हमारे जो लोग हैं जो पवर्टी में जी रहे उन पॉवर्टी से हमारे लोगों को निकाल सके जैसे इंडिया ने ट्राई किया था बाकी देशों के साथ अपना संबंध बनाने का 1947 के बाद क्यों किया था जस्ट बिकॉज इंडिया के लोग जो पोवर्टी में जी रहे उनको यहाँ से निकाले ताकि इकोनॉमिक एक कंट्री अगर इकोनॉमी डेवलप हो जाता है इकोनॉमिकली डेवलप होना मतलब क्या है बहुत ज़्यादा अगर उनके पास पैसा रहता है कंट्री के पास तो क्या होगा हमारे जो लोग हैं वो पॉवर्टी में नहीं जियेंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे तो इसी वजह से एल ने भी ट्राई किया था कि हमें इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना है ताकि हमारे जो लोग हैं उनको हम पॉवर्टी से निकाल पाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो एसेंशियल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा ज़रूरी है कौन से कंट्रीज़ के लिए जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर नए नए कंट्रीज़ के कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट हुए हैं आज़ाद हुए हैं जैसे इंडिया पकड़ लो चाइना पकड़ लो घाना पकड़ लो ये सभी कंट्रीज नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे तो उन कंट्रीज़ को अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है या फिर इकोनॉमिक डेवलप इकोनॉमिक साइड से ये कंट्रीज अगर डेवलप्ड नहीं होते हैं देन दे विल नॉट बी फ्री ये फ्री नहीं होंगे ठीक है कैसे फ्री नहीं होंगे अपने म, आ, मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे हमेशा दूसरों से मदद मांगना पड़ेगा इसी वजह से न्यू न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है इसको फॉर्म किया गया था फॉर विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नो कंट्री कुड बी ट्रूली फ्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना कोई भी कंट्री फ्री नहीं हो सकता द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन और इसी वजह से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाया गया ताकि एल जो है एल जो है एल क्या कर सके बाकी देशों के साथ जो जो डेवलप कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ के साथ एल क्या कर सके ट्रेड कर सके ट्रेड मतलब व्यापार कर सके एल जो है एल मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो है जो कंट्रीज़ इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप नहीं है वो कंट्रीज़ अपने देश का जो सामान है वो दूसरे देशों में बेच सके ताकि वहाँ से उनको क्या मिले पैसा मिले पैसा मिलने से क्या होगा वो लोग इकोनॉमिकली डेवलप होंगे इसी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यू पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था तो क्या नाम था इन 1972 सेवेंटी टू द यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है यू एन सी टी ए डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पब्लिश ए रिपोर्ट इस कॉन्फ्रेंस पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था रिपोर्ट का नाम था टूअर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एक नया पॉलिसी एक नया व्यापार करने का जो पॉलिसी है तरीका है किस लिए डेवलपमेंट के लिए किसके डेवलपमेंट के लिए एल के डेवलपमेंट के लिए दिस रिपोर्ट दिस रिपोर्ट प्रपोज रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो दैट एल डी सीज माइट बी बेनिफिशियल मतलब क्या होता था पहले क्या होता था पहले डेवलप कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ ही बिजनेस करते थे लेकिन इस रिपोर्ट के बाद एल को ये अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया कि डेवलप कंट्रीज़ के साथ तुम भी जाके क्या कर सकते हो अपना जो व्यापार है उसको कर सकते हो और अपने देश के जो सामान है उसको दूसरे देशों में भी बेच सकते हो ताकि तुम्हें उन देशों से डेवलप कंट्रीज से तुम्हें पैसा मिले और तुम इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो इसको बोलते हैं कोऑपरेशन ग्लोबल कॉपरेशन ठीक है द रिपोर्ट सजेस्टेड द फॉलोइंग पॉइंट्स इस रिपोर्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात किया गया है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फर्स्ट वन एल डी सीज शूड है कंट्रोल ओवर दियर नेचुरल रिसोर्स एल के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ था जो चीज़ था नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स मतलब ऑयल मिनरल ये सब था एल डी आयरन ये सब था एल के पास तो एल जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्स के ऊपर फुल कंट्रोल करके रखेगा मतलब कोई भी देश एल के नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता शोषण नहीं कर सकता सेकेंड पॉइंट वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम शुड बी मेड मोर बेनिफिशियल फॉर द एल पूरे वर्ल्ड में ट्रेड सिस्टम जो है उसको चेंज किया जाएगा ताकि एल जो है वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर सके मोर बेनिफिशियल और इससे एल को बेनिफिट हो अच्छा हो एल का ठीक है कॉस्ट ऑफ़ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़ शुड बी रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है अगर एल जो है एल अगर वेस्टर्न कंट्रीज से ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे सोच लो कि यू देन uh, uh, बाकी जो यू इटली ये सब कंट्रीज से अगर टेक्नोलॉजी खरीदना चाहे तो पहले एल को बहुत ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता था लेकिन वो कॉस्ट जो है वो अभी क्या किया गया है रिड्यूस किया गया है किसने रिड्यूस किया है इस पॉलिसी ने रिड्यूस किया है ठीक है LDCs must be provided with प्रोवाइडेड विथ ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन मतलब सभी देशों में जो इकोनॉमिक साइड से जो रिलेशन है सभी देशों का उसमें एल डी सीज़ भी अपना बात बोल सकता है कि एल डी सीज को क्या चाहिए ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो एजेंसीज़ हैं यू एन के वर्ल्ड बैंक आई एम एफ ये सभी वर्ल्ड बैंक आई एम एफ ये सभी क्या करेंगे एल डी सीज़ को सपोर्ट करेंगे ताकि एल डी सीज़ जो है वो बेनिफिट हो और एल अपना बात जो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पे बोल सके इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का मतलब क्या है दूसरे देशों के साथ अपने देश का रिलेशन जो है वो इकोनॉमिक साइड से और ज़्यादा अच्छा करना तो एल वो कर सके ठीक है द नॉन एलैंड स्टेट्स एक्सटेंडेड देयर होल हार्टेड सपोर्ट टू द रिपोर्ट मतलब क्या है यू एन सी टी ए डी प्रपोजल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन आई ई ओ नोलैंड स्टेट्स ने क्या किया था ना स्टेट्स ने बोला था कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग उस रिपोर्ट को ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था इस रिपोर्ट को हम लोग सपोर्ट करते हैं ताकि एन आई ई ओ जो है उसका फॉर्मेशन हो मतलब क्या है यहाँ से हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि इस रिपोर्ट के बाद ही इस रिपोर्ट के बाद ही एन आई यू ओ का जन्म होने वाला था ठीक है उसके बाद क्या है देखो दे एक्सप्रेस देयर डिटर्मिनेशन टू स्ट्रेंद द यू एन सिस्टम टू सपोर्ट द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ग्लोबल सिस्टम नहीं नॉन अलाइन स्टेट्स ने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे यू एन को सपोर्ट करेंगे यू एन को सपोर्ट करके हम लोग पूरा वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको चेंज करने की ट्राई करेंगे लेकिन टुअर्ड्स द एंड ऑफ नाइनटीन एटीज़ हाउ अवार द एन आई ओ इनिशिएटिव हैड फेल्ड बिकॉज ऑफ द स्टीफ अपोजिशन फ्राम द डेवलप कंट्रीज लेकिन क्या हुआ था एन आई ओ ठीक है एन आई ओ फॉर्म किया गया था एन आई ओ ने अच्छा काम करना भी स्टार्ट किया था लेकिन बाद में नाइनटीन एटीज़ पर एन आई ओ जो है वो फेल हो गया क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ने अपोज़ कर दिया है डेवलप कंट्रीज़ ने बोला कि नहीं हम लोग लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को सपोर्ट सपोर्ट करना बंद कर देंगे इस ट्रेड पॉलिसी को हम लोग बंद कर देंगे क्योंकि देखो पहले क्या होता था पहले डेवलप कंट्रीज़ जो है वो एल के साथ अच्छा रिलेशन इसलिए रख रहे थे बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज मिलता था लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज़ जब एल के हाथ में आ गया कंट्रोल पे आ गया तो डेवलप कंट्रीज़ ने बोल दिया कि नहीं अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग दूसरे दूसरे जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपना रिलेशन जो है इकोनॉमिक साइड से वो हम अच्छा नहीं कर सकते तो इसी वजह से क्या किया गया है जो एल जो है उन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ था इस चीज़ से और एन जो है वो फेल हो गया था द एल टी सीज हैड बीन वाइज एनफ टू लर्न द लेसन दैट दे शुड नॉट रिलाई टू मच ऑन द डेवलप कंट्रीज़ और एल को ये पता चल गया है कि मतलब हमें एक लेसन मिल गया है एल को एक लेसन मिल गया है कि हमें ज्यादा डेवलप कंट्रीज के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था ठीक है बट टू स्टैंड ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ हमें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए था अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही हमें खड़ा होना चाहिए था एज अ रिजल्ट दे नाउ मोर एम्फेसाइज द नीड ऑफ प्रोमोटिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन मतलब क्या है जो ये सब छोड़ो इतना साउथ साउथ कॉपरेशन अगर मैं तुम लोग को भी बोलना चाहूँ तो ये साउथ साउथ कॉपरेशन का भी एक बहुत लंबा हिस्ट्री है ठीक है तो साउथ साउथ कोऑपरेशन छोड़ो यहाँ तक ही रखो एल को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और बुरा लगा है कि हमने डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर इतना रिलाई किया था इतना भरोसा किया था कि इन कंट्रीज़ के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं हम ट्रेड कर सकते हैं ताकि हम इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो लेकिन डेवलप कंट्रीज़ ने हमें अपोज़ किया है और इससे एल को ये लेसन मिलता है कि ये सीख मिलता है कि हमें डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर क्या करना नहीं चाहिए था भरोसा नहीं करना चाहिए था बल्कि हमें खुद से खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए था तो अभी खुद के ऊपर कैसे डिपेंड होना है जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इंडिया ने क्या किया था इंडिया ने उस टाइम पे इंडिया ने बाकी देशों के साथ जो अपना रिलेशन है वो थोड़ा मतलब कम कर दिया था कम करना मतलब कर क्या है इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया था ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करना मतलब इंडिया ने जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जाते थे वो इंडिया खुद ही यूज़ करते थे ताकि इंडिया का प्रोडक्ट्स इंडिया में ही रहेगा और मार्केट जो है वो इंडिया में ही था और लोग यहाँ पे ही अपने चीज़ें खुद बनाते थे खुद खाते थे तो इसी वजह से इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ था ताकि अगर तुम दूसरे देशों में जाके अपने सामान नहीं बेच पाओगे तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा पैसा जो है वो तुम्हें नहीं मिलेगा तो अपने सामान खुद बनाते थे, थे इंडिया खुद के ऊपर डिपेंडेंट थे इसी चीज़ को ये बोला गया है कि हमें खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए था हमें डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था एल ने ये चीज़ किया है तो विथ डेट वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक तुम लोग घर पर पढ़ाई करके देखो कोई भी प्रॉब्लम है क्या कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है क्या क्या, क्या? कि नॉन अलाइन स्टेट्स जो है नॉन स्टेट्स ने सिर्फ एक नया वर्ल्ड बनाने की ट्राई नहीं किया है जहाँ पे कोऑपरेशन रहेगा कोल्ड वन टेंशन नहीं रहेगा ऐसा वर्ल्ड बनाने की ट्राई सिर्फ नहीं किया है नॉन एलाइन स्टेट्स ने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को भी बनाने की ट्राई किया है नॉन नोल स्टेट्स को बोला जाता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज बिकॉज ये कंट्रीज इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप नहीं थे ये कंट्रीज चाहते थे कि वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो और इसी वजह से Uh, उन कंट्रीज़ ने एन को फॉर्म किया था एन के बारे में सोचा था और उसका नाम क्या है अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों चाहिए बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर नहीं होता है किसी भी कंट्री का तो वो कंट्री ज़्यादा फ्री नहीं हो सकता अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा ना हो तो तुम फ्रीली खर्च कर सकते हो क्या नहीं खर्च खर्च नहीं कर सकते तुम अपने मन के चीज़ें खरीद सकते हो क्या नहीं कर सकते तो वही चीज़ के लिए नौलानाइंड स्टेट्स ने क्या किया था एन को फॉर्म किया था एन आई को फॉर्म नहीं किया था एन के बारे में सोचा था उसके बाद यू पे एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम होता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर जिस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है टूअर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट वो कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट निकलता है उस रिपोर्ट पे लिखा हुआ होता है कि एल जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करके रखेगा वर्ल्ड में जो ट्रेड सिस्टम है वो ऐसा बनाया जाएगा ताकि एल को बेनिफिट हो कॉस्ट जो जो पैसा लगता था टेक्नोलॉजी ख़रीदने के लिए एल को पहले वो थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा और एल जो है दूसरे देशों के साथ अपना संबंध जो है वो अच्छा कर सकता है इसके लिए ऊपर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है तो एल ने नॉन ने नोडालैंड स्टेट्स ने बोला कि हाँ ठीक है हम ये सभी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और हम नियो को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं लियो को फॉर्म करना चाहते हैं ठीक है थीके? लेकिन नाइनटीन में क्या हुआ था नाइनटीन में जो आ, डेवलप कंट्रीज़ है डेवलप कंट्रीज़ ने इसको अपोज किया है डेवलप कंट्रीज़ ने बोला कि नहीं हम लोग नहीं चाहते हैं कि उसका नाम के एल के साथ हम लोग बिजनेस करें ठीक है तो डेवलप कंट्रीज़ के ये अपोजिशन को देख के एल को बहुत बुरा लगा था और एल को ये सीख मिला था कि हमें डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था हमें अपने खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा डेवलप हो ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए था निर्भर होना चाहिए था ठीक है तो विद दैट वी हैव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक देखो कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो और एक चीज़ मैं तुम लोग को दो वीडियो जो है वो दूंगा कल, कल के क्लास में एक वीडियो रहेगा ठीक है कल के क्लास में एक वीडियो रहेगा जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर ये डिस्कस करेंगे पूरा जो टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जो है रिलेवेंस ऑफ नाम ठीक है रिलेवेंस ऑफ नाम जो है ये तो शनिवार में थोड़ा टाइम तुम लोगों को देना पड़ेगा देखिए ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लेंगे सिर्फ दो ही टॉपिक बाकी है तो दो वीडियोस में मैं ख़त्म कर लूँगा दो वीडियोज़ ज़्यादा बराबर नहीं होगा एक वीडियो होगा दस मिनट का और एक वीडियो होगा शायद बारह या तेरह मिनट का तो तुम लोग देख के वो च चप्ट, ये चैप्टर जो है ये हम लोग ख़त्म कर लेंगे और ये सभी चीज़ जो है ये सभी ये जो सभी चीज़ है ये सभी मतलब सॉरी ये जो ये सभी जो चीज़ है ये सभी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तुम लोग अगर समरी को देखोगे तो समरी पे ये सभी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस किया है लेकिन फिर भी और एक बार रिवाइज कर लेंगे डिस्कस कर लेके रिवाइज़ करके ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे ठीक है सिर्फ दो ही टॉपिक बाकी है अभी एक है इंडिया एंड द कोल्ड वन और एक है रिलेवेंस ऑफ नाम मिडिल पे एक टॉपिक है वो टॉपिक हमें नहीं चाहिए क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन भी नहीं आता है और ये टॉपिक अभी चेंज भी हो चुका है तो विद दैट वी हैव कम्पलीटेड टू डेज क्लास देखो कोई भी डाउट होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो